मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आज आपकी ये जो क्लास होने वाली है बड़ी खास होने वाली है। आपको पता है कि आपने अभी तक लगभग 12 पार्ट देख लिए हैं। मैथ आएगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, तो हम लोग दौड़ाएंगे। आज 13 नंबर पार्ट में क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर, मीन्स आपके सामने दिख रहा है वास्तविक संख्या यह क्या होती है। इसके पीछे की क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भी बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, तो आज उसके आगे पढ़ेंगे। क्लास को पूरा एंड तक देखना आपसे निवेदन है, और अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर देखिए। प्रत्येक दिन टाइम पे वीडियो आता है, इस समय सुबह 7 से, सुबह 5 से और रात के 9 बजे से, ये 3 टाइम है। हो सकता है समय बदल सकता है, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, नंबर नीचे दिया गया है। साथियों, ये रियल नंबर आखिर होता क्या है, देखिए जरा सुनिए एक मिनट के लिए। वो नंबर रियल नंबर कहलाता है जितने भी नंबर आप जानते हो, बस उसमें से आपको एक नंबर छोड़ देना है, वो है इमेजिनरी नंबर। अगर आपने सुना है कहीं काल्पनिक संख्या, ऐसे सुन लो इंग्लिश में, ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब कि वो सभी संख्याएं, जैसे कोई नंबर प्लस है या कोई नंबर माइनस है या कोई नंबर फ्रैक्शन है, मतलब या कोई नंबर डेसिमल में है, ये सभी क्या है? सभी आपकी ये रियल नंबर है। क्या है भैया? ये रियल नंबर है बाबू। किसी भी प्रकार की संख्याएं सब रियल नंबर हैं, लेकिन इसमें है कि आपको काल्पनिक संख्या को छोड़ देना है, वो रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। काल्पनिक संख्या क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो फिलहाल एक वीडियो में बतानी पड़ेगी अलग से, क्योंकि काफी लंबी कहानी है। शॉर्टकट में ऐसे समझ लो कि वो संख्याएं जो आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन या फिर आई इक्वल अंडर रूट माइनस वन के रूप की होती हैं, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना ढेर सारा, और आपको इसका अलग से एक क्लास देंगे हम, आप समझ जाओगे ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो समझ गए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि वह सभी कौन कौन सी धनात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं और दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें काल्पनिक संख्या शामिल नहीं है। बस ये हो गया, इसमें कोई भी संख्या ले लो आप। मैंने बताया सिंपल वाले नंबर हो गया, माइनस वाले हो गया, फ्रैक्शन वाले हो गया, डेसिमल वाले हो गया, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर। इसके आगे बात करते हैं, रियल से ही याद आता है रेफरल नंबर। देखिए साथियों, रेफरल नंबर की कहानी आप बहुत दिन से सीखते आए हो, लेकिन अभी तक आप काफी कंफ्यूजन में हो ना, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है रेफरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या की क्या कहानी है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो भाई, ये प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक तो पढ़ लियो यार, क्या है? रेफरल, सही लिखा हूं ना, नंबर। हिंदी में लिख लो परिमेय संख्याएं। क्यों? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्याएं आखिर क्या होती है? देखिए इसकी अलग अलग परिभाषा होती है अलग अलग जानकारी के अकॉर्डिंग। परिमेय संख्या, इसको सिंपल में हम लोग बस ऐसे ही जानते हैं कि वह संख्याएं जिनको p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, बट q डज नॉट इक्वल जीरो, ये याद रहे। जबकि p क्या है? p जीरो हो सकता है, इतना याद रखना बस। इसमें जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर, दिस मीन्स दैट एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपान q, समझ में आया ना, द सिंबल क्यू रिप्रेजेंट द रेफरल नंबर। यानी अगर हमें परिमेय संख्याएं को कहीं दर्शाना है तो उसे कैपिटल क्यू से लिखते हैं, याद रखना, ठीक है? कैपिटल क्यू का मतलब रेफरल नंबर। इसके अलावा जो मैंने अभी रियल नंबर आपको पढ़ाया भैया, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से रियल नंबर को लिखा जाता है, आप लोग इसे लिख लेना, ये सिंबल है कैपिटल आर में रेफरल नंबर का। कैपिटल क्यू मतलब, कैपिटल क्यू का मतलब ये है यार, रेफरल नंबर। परिमेय संख्या को क्यू से लिखा जाता है। वहीं अगर बात करें अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या का सिंबल पी होता है, इसे इरेफरल नंबर माना जाता है। सिंबल जान रहे हो ना, याद रखना, हर किसी का सिंबल याद रखना। तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए परिमेय अपरिमेय में अगर अंतर ना बताया जाए तो आपको समझ में ऐसे आसानी से नहीं आने वाला है,
क्योंकि इनकी गणित बड़ी उलझी सी है। तो भैया इधर देखो बाबू, समझने की कोशिश करो, और हाँ क्लास को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना, मजा बहुत आएगी, समझ में भी आएगा, लेकिन पूरा देखना, तब ऐसे आधा अधूरा नहीं। देखो ये रेफरल नंबर है, ये क्या है, ई रेफरल नंबर है। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये रेफरल और ये ई रेफरल, ठीक है, परमीय अपरमीय। मैंने कहा कि जो पी अपान क्यू के रूप का होगा वो परमीय संख्या होगा, यानी कहने का मतलब जैसे 6/7 हो गया ये परमीय संख्या हो गया, 0/5 हो गया ये क्या है, परमीय संख्या हो गया, क्योंकि ये पी अपान क्यू के रूप का है। लेकिन बचवा अगर हम ऐसे बोलें कि तुम ऐसे लिख दो 9/0, तो ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू। कुछ लोग कहेंगे है तो ये पी अपान क्यू के बराबर। देखो बच्चा इसमें क्या, एक्चुअली ना जब इसको हम हल करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, अनंत, इसका कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं आएगी, और फिर ये पी अपान क्यू के बराबर नहीं रह जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि पी अपान क्यू के रूप का तो होना चाहिए, लेकिन उसमें क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, यानी हर जो है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हर शून्य नहीं है तो ये परमीय संख्या है, ये पी अपान क्यू का फॉर्म है, सही है, लेकिन यहाँ पे हर जीरो हो जा रहा है, ये गलत है, मतलब हर नीचे का गिनती जो है ये शून्य नहीं होनी चाहिए। एक बात और समझ लो, जैसे मान लो इसी में मैंने लिखा √3/7, तो ये क्या है, पी अपान क्यू के फॉर्म का है। आप सभी कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या ये पी अपान क्यू के फॉर्म का है या नहीं है, जल्दी बताओ। देखो बच्चा ये रियल नंबर तो फिलहाल नहीं बात कर रहे हैं, हम रेफरल की बात कर रहे हैं, ये रेफरल नंबर नहीं है। देखो कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, आप यहाँ से समझ लो फिर बताना अगर कोई टेंशन होगी तो। एक्चुअली जो √3 है उसका एक कंप्लीट, एक पूर्ण संख्या एक प्रकार से बात करें तो नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, ये नहीं है। लेकिन अगर हम √9/7 लिखे होते तो ये था, ये परमीय संख्या था, इसलिए क्योंकि इसका वर्गमूल 9/3 हो जाता और ये 3/7 बन जाता, जो कि क्या था, एक रेफरल नंबर था, एक परमीय संख्या थी। तो अगर इस तरह से कहीं लिखा है √3/7 तो ये क्या है, अपरमीय संख्या है। अगर 5/0 लिखा है तो क्या ये अपरमीय संख्या, ये परमीय संख्या नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर कहीं भी ऐसे नंबर लिखा है √81/100, इसका मतलब है 8/10, 8/10 मतलब आप जान रहे हो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चा अगर कहीं ऐसे लिखा है 35/103 और ये अंडर रूट में है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये परमीय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलेगा √103 का, हाँ फिर मामला अरज जाएगा, समझ गए ना। तो ये आपने सीख लिया रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बता देना, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, हम और भी बताएंगे, बहुत सारे नंबर बताएंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन हमें करने पड़ते हैं और वो ऐसे दिए होते हैं कि उनमें हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आता कि वो रेफरल है कि इरेफरल है। तो जब तक उसका हम कोई एक निश्चित सोल्यूशन नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रेफरल है कि इरेफरल है। जैसे दैनिक जीवन में बहुत सारे कांड हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, तो सरकार कहती है उनकी जांच होगी, जांच के बाद परिणाम भगवान जाने का होता है, वो तो बात की बात है, हम यहाँ पे करते हैं पहले जांच। जैसे ये √3/7 लिखा है बच्चा, और यहाँ पे लिखा है बबुआ 9/√3। अब कहो कि इसका जो हल आएगा वो रेफरल नंबर होगा कि इरेफरल नंबर, आप सभी जरा सोचो और बताओ। आप कहोगे कि अभी तो आपने तुरंत ही बताया था कि ये क्या है, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो रेफरल नंबर नहीं होंगी, हाँ बताया था कि वो रेफरल नंबर नहीं होंगी, क्योंकि वो कैसे हैं, क्योंकि वहां पे √3 है, √3 का वर्गमूल पूरा निकलता है नहीं। लेकिन बच्चा देखो समझो, ऐसा नहीं है, इनको जब हम सिंप्लीफाई हल करेंगे तो हमें पता है एक नीचे एक ऊपर कट जाएगा, 9/7 आएगा, जो कि क्या है, एक रेफरल नंबर, कितना आसान है ना। लेकिन हाँ एक बात और याद रखना अपने दिमाग में, दिमाग में भर के रखना, अगर ये √3/7 और बचवा ये प्लस होता, ये प्लस होता बबुआ, तब आप इसको काट नहीं सकते थे, याद रखना, अगर बीच में प्लस या माइनस है तो फिर नहीं काट सकते हो आप ऐसे ऐसे खच खच वाला, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए ना। ये क्या है, रेफरल नंबर है, ये रेफरल नंबर नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, तिरछा गुणा मुड़ा करो, ये कभी जल्दी से हल होगा ही नहीं आसानी से, और एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, रेफरल नंबर नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही,
ज्यादा वीडियो बड़ी करते हैं आप लोग, पूरा देखते नहीं हो, भाग जाते हो। मुझे पता है कि कुछ बच्चे चाहते हैं बड़ा हो क्लास, लेकिन अधिकांश नालायक पढ़ना नहीं चाहते। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, खूब बच्चे देखे, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे फिर हम इस क्लास को दो दो घंटे चलाएंगे, तीन तीन घंटे, लेकिन वीडियो खूब शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरी क्लास देखने के लिए आपको हर बार की तरह प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बस थोड़ा सा इंतजार।